Hello guys, welcome back on Forma Educational Hub. In the previous lecture, we were discussing about the one-dimensional monoatomic crystal lattice vibration. तो एकविमीय परमाणुवीय जो एकल परमाणुवीय जो परमाणु है एकल परमाणुवीय लैटिस होता है उनके वाइब्रेशंस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर और उसका कुछ डेरिवेशन आया था और डेरिवेशन से हमने लास्ट में जाके एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था और वो जो फॉर्मूला था वो कुछ इस वे में था कि ओमेगा जो था वो मिला था अपने को रूट ऑफ 4 बीटा बाई एम साइन के ए बाई 2 ये कोई फॉर्मूला मिला था ना। ए तो सबको मालूम है कि जालक कांस्टेंट है जालक नहीं है तांके लैटिस कांस्टेंट है ए के के क्या होता है के जैसे ये पहले सबके बारे में बता देता हूँ। ओमेगा जो होता है कोणीय आवृत्ति होता है एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं इसको कोणीय आवृत्ति एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा के जो है के है क्या है प्रोपोगेशन कांस्टेंट है तरंग संचरण नियतांक वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट ठीक है ये हो गया। बीटा ये मास एम की बात करूं तो ये तो क्या है जो लेटिस है उसके जो एटम्स है मोनोएटमिक है तो एकल परमाणुवीय है तो एकल परमाणुवीय परमाणुओं का क्या है द्रव्यमान है ये द्रव्यमान है मास है। बीटा क्या है बीटा वो जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना वो है ये तो इसको इलास्टिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग तो है नहीं एग्जैक्टली इलास्टिसिटी है इसमें मतलब स्प्रिंग के जैसे ये आगे पीछे इस तरीके से इनमें वाइब्रेशंस हो सकते हैं तो ये वाइब्रेशन कांस्टेंट ये इलास्टिक कांस्टेंट है ये प्रत्यास्थ नियतांक या प्रत्यास्थता नियतांक ठीक है। बाकी सब ए जालक नियतांक पता है ये लेटेस्ट कांस्टेंट जालक नियतांक यह है जालक नियतांक क्लियर। अब देखो इसके अंदर आगे हम बात करें 4 बीटा बाई एम हो गया हाँ। अब देखो इसमें मैं डिफरेंट कंडीशंस ले रहा हूँ एक मैं दूसरी बात और यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ आपको कि ये जो आया है ये ओमेगा क्या है कौन सी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कौन सा कोणीय आवृत्ति है। देखो एक सॉलिड मटेरियल है उस सॉलिड मटेरियल के अंदर हीट एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है सपोज ये मान लो कि कोई भी एनर्जी है जैसे मैं बोल रहा हूँ तो साउंड एनर्जी है तो साउंड एनर्जी ठोस मटेरियल के अंदर से भी जाती है सॉलिड मटेरियल के अंदर से भी निकलती है तो मान लो कि सॉलिड मटेरियल के अंदर से साउंड एनर्जी जा रही है तो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है तो जो साउंड वेव्स है वो साउंड वेव्स उसके अंदर सॉलिड मटेरियल के अंदर कौन सी एंगुलर फ्रिक्वेंसी से जाएंगे कौन सी कोणीय आवृत्ति से जाएंगे मतलब जो साउंड की जो एनर्जी है ध्वनि की जो ऊर्जा है वो कौन कितनी कोणीय आवृत्ति से जाएगी कौन सी एंगुलर फ्रिक्वेंसी जाएगी वो है ये वैल्यू। और क्योंकि वो तरंग के रूप में जाएगा वेव के फॉर्म में जाएगा तो वेव होगा तो वहाँ पर ओबियसली बात है कि वेव की इन्फॉर्मेशन होगी और वेव की इन्फॉर्मेशन की मतलब का मतलब है कि वहाँ पर लेमडा भी होगा और लेमडा होता है तो यहाँ पर देखो के जो आता है के ये होता है 2π/λ इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख दूँ तो यहाँ पर आप अगर पहले लिख लियो तो इसको ऐसे लिख सकते हो बाकी के जो है वो 2π/λ होता है इसको बोलते हैं तरंग संचरण नियतांक ये मैग्नीट्यूड है इसका वेव प्रोपोगेशन फैक्टर या वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट ये 2π/λ है ये क्या है वेव का इन्फॉर्मेशन ही देता है एक तरीके से ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उस वेव की है जिसके थ्रू जो आपकी एनर्जी है सॉलिड मटेरियल में एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पर प्रोपोगेट हो रही है एनर्जी ऊर्जा संचरित हो रही है तो उस ऊर्जा संचरण का जो वेग है कोणीय वेग है दैट इज ओमेगा क्लियर। चलो अब इसकी पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस ले लेते हैं कि के का वैल्यू कम है ज़्यादा है उसके बेस पे बात करते हैं ठीक है। तो चलो तीन कंडीशन लेते हैं हम लोग देखो लेमडा और एक होता है C equals to new lambda का फॉर्मूला होता है अगर आपने पहले कहीं पढ़ा हो तो इस टाइप का कुछ फॉर्मूला होता है
लेमडा और न्यू के बीच में एक रिलेशन होता है कि न्यू इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लेमडा, मतलब लेमडा बढ़ता तो फ्रीक्वेंसी कम होता, फ्रीक्वेंसी बढ़ता तो लेमडा कम होता, ये मालूम है ना। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होता है, ये होता है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ है ना, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में एक बढ़ता दूसरा कम होता। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो फ्रीक्वेंसी के आसपास से, मतलब जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो, न्यून आवृत्ति हो, फ्रीक्वेंसी कम हो, तब इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग वहां से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, तो केस ले रहे हैं, ये पहुंच करके छाप लेना, अभी हम लोग केस ले रहे हैं इसमें। केस वन, न्यून आवृत्ति, आवृत्ति न्यून है तो लेमडा जो होगा वो उच्च होगा, न्यून आवृत्ति बोल लो या उच्च तरंग दैर्ध्य सीमा में, इस कंडीशन की बात कर रहा हूं, मतलब लो फ्रीक्वेंसी और हाई वेवलेंथ रेंज की बात करता हूं मैं। इस रेंज में क्या होगा, अब देखो फ्रीक्वेंसी तो होगी कम, मतलब कम मतलब जीरो से थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी ऐसे, तो हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बात करेंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो ओमेगा का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, ओमेगा किस हिसाब से बढ़ेगा कम होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अपने को पता है सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 4 बीटा बाई एम साइन के ए बाई टू, बीट ये 4 का रूट है तो 2 आ जाएगा, 2 बाहर भी लिख सकते हैं, नहीं लिखा मैंने, लिख भी सकते हैं, एक फॉर्म वो भी होता है जनरली। आगे बात करते हैं, देखो न्यून आवृत्ति है, आवृत्ति क्या है कम है, फ्रीक्वेंसी है लो, फ्रीक्वेंसी लो है तो लेमडा जो होगा वो हाई होगा, जाहिर सी बात है, तो हायर फ्रीक्वेंसी रेंज में बात कर रहे हैं, उच्च तरंग दैर्ध्य सीमा में या परास में, तो लेमडा है ज्यादा। अब लेमडा ज्यादा होगा तो आप ये समझना के इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा, अगर इस चीज को देखो आप, फ्रीक्वेंसी है न्यू टेंडिंग टू जीरो, मतलब न्यून आवृत्ति है जीरो के निकट है, जीरो की तरफ अग्रसर है मान लो, न्यू कम है इसका मतलब है कि लेमडा जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि न्यू इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/ लेमडा, तो न्यू जीरो की तरफ है तो लेमडा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है ना, तो न्यू जीरो है तो लेमडा बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब ये है लेमडा बहुत ज्यादा होगा। तो आप ये देखो के जो होता है वो 2 पाई बाई लेमडा होता है, तो लेमडा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये इन्फिनिटी होगा नीचे वाला, तो के जीरो की तरफ जाएगा, मतलब तो k का वैल्यू जो होगा वो जीरो की तरफ जाएगा। ये शायद आपको ये गेम समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये कौन सी सिचुएशन है जब k जीरो की तरफ मूव हो रहा है, न्यून आवृत्ति जो रेंज है न्यून आवृत्ति वाला लो फ्रिक्वेंसी, उसमें k क्या होता है जीरो की तरफ अग्रसर है, मान लो जीरो के नज़दीक है, जब ये जीरो के नज़दीक है तो इसका मतलब है कि के ए बाई टू भी क्या होगा जीरो की तरफ, ये तो कॉन्स्टेंट है ना, ये जीरो की तरफ है, ठीक है, अगर ये जीरो की तरफ है तो साइन के ए बाई टू इसका वैल्यू क्या होगा, आपको पता है ना सिंस साइन थीटा, अगर थी एक सेकेंड, ये तो मालूम ही होगा सारी दुनिया को कि थीटा अगर टेंडिंग टू जीरो होता है तो साइन थीटा जो होता है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थीटा होता है, क्या होता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थीटा होता है, थीटा को अप्रोच कर रहा होता है, तो साइन के ये थीटा है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है या जीरो की तरफ जा रहा, तो ये भी क्या के ए बाई टू को अप्रोच करेगा, क्लियर है, तो इसका वैल्यू ये आएगा, तो दिस इज बाई इक्वेशन नंबर ए, दिस इज इक्वेशन नंबर बी, सिंपल, तो समीकरण ए व बी, बी से ए व बी से, समीकरण ए एंड बी से, तो बाई इक्वेशन नंबर ए एंड बी, एंड बी से देखो ओमेगा क्या मिला, ओमेगा मिला मुझको 4 बीटा बाई एम और ये मिल गया के ए बाई टू, सिंपल ये मिला कोणीय आवृत्ति, क्लियर है।
तो ओमेगा जो मिला वो मिला इसको थोड़ा ठीक से, देखो यहाँ से रूट लेंगे तो टू आएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा के ए रूट बीटा बाई एम, ठीक है। तो यहाँ से जो है ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के। हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, डिस्पर्जन रिलेशन कैलकुलेट कर रहे थे ना, परिक्षेपण संबंध। तो परिक्षेपण संबंध ये आ गया ना अपने पास में, ये आ गया था परिक्षेपण, ओमेगा और के में रिलेशन ही तो पता करना था, इसी को तो बोलते हैं परिक्षेपण संबंध, डिस्पर्जन रिलेशन, ये आ गया था। और इसकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पढ़ रहे हैं। अगर ये वाला केस लेते हैं, इस पर्टिकुलर केस में किसी ने कॉपी नहीं किया तो पॉज करके कॉपी कर लेना भैया। अब देखो डिस्पर्जन रिलेशन की बात करें तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, मतलब ये, क्लियर है। चलो एक कंडीशन, दूसरी इसी फर्स्ट कंडीशन में एक दो चीजें और पढ़ेंगे। एक होता है ग्रुप वेलोसिटी, एक होता है फेज वेलोसिटी। एक होता है ग्रुप वेलोसिटी, एक होता है फेज वेलोसिटी। ये क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने डिटेल में पढ़ाया, और वो क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है, तो यहाँ पर हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी क्या होता है मैं छोटा सा एक आइडिया बता दूंगा, बाकी मैं डायरेक्ट वहां से फॉर्मूले काम में लूंगा। ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी जो होता है ना कला वेग, उसको लिखते हैं कला वेग जो होता है फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी इसको लिखते हैं हम लोग वीपी से, पी फॉर फेज वेलोसिटी कला वेग, और कला वेग है इसको लिखते हैं ओमेगा बाई के। कला वेग का मीनिंग ये है, अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, एक आइडिया बता दिया थोड़ा सा ताकि आपको लगे नहीं कि हम लोग रट रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जो टॉपिक है वो क्वांटम मैकेनिक्स का, हमने वहाँ पे पूरा डिटेल में स्टडी किया, बहुत बहुत डिटेल में विजुअलाइजेशन भी दिखाया मैंने इसको। तो एक तो होता है ग्रुप वेलोसिटी, एक फेज वेलोसिटी। अभी इसका फॉर्म, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, अभी मैं लास्ट में बता दूंगा कि इन दोनों का मीनिंग क्या होता है। वीपी का होता है ओमेगा बाई के, तो ओमेगा तो ये है कि सिचुएशन में ओमेगा का वैल्यू है के ए रूट बी बाई एम, और ये आगे के, कैसे के कैंसिल आउट हो गया, तो वीपी जो आया वो आया ए रूट बी बाई एम, ये फेज वेलोसिटी और आ गया ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी को बोलते हैं समूह वेग, और समूह वेग या ग्रुप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ग्रुप वेलोसिटी उसका जो फॉर्मूला होता है, वी जी लिख दूं पहले तो मैं इसको, वी जी ग्रुप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू बाई डी के। ये तो डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो डब्ल्यू का के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए रूट बी बाई एम, ये सब कुछ कांस्टेंट है के के अलावा, के के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है। तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा लिख देता हूँ ठीक से, पहले तो लिख ही देता हूँ इसका रूट बीटा बाई एम, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा देखो ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो आ गया ये बाहर ए रूट बीटा बाई एम, और इसका के का हो गया वन, तो ये आ गया वी जी इक्वल टू ए रूट बीटा बाई एम, ठीक है। ये मिल गया अपने को, एक ये मिल गया था अपने को, ये ग्रुप वेलोसिटी, ये फेज वेलोसिटी दोनों बराबर मिले हैं यहाँ पे। अभी इनके मीनिंग बताता हूँ क्या होता है। वी पी इज इक्वल टू वी जी, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी दोनों बराबर है। अब देखो ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी का क्या मीनिंग होता है। एक कंसेप्ट इस तरीके से दिया जाता है कि आपका जो वेव प्रोपोगेट हो रहा है वो एक्चुअल में सिंगल वेव नहीं होता, कभी भी कोई भी तरंग संचरित होता तो वो तरंग जो होता है एक अकेला तरंग नहीं होता, वो बहुत सारी अलग अलग तरंगों के सुपरपोजिशन से बनता है, डिफरेंट डिफरेंट वेव्स का जो अध्यारोपण होता है सुपरपोजिशन होता है उससे मिलकर बना हुआ होता वो। अब वो जो सारे जो तरंगे मिलकर एक साथ जिस वेलोसिटी से चलती है, पूरा ग्रुप बन के जिस वेलोसिटी से चलता है, उस ग्रुप का जो वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी, उसको बोलते हैं समूह वेग। वो पूरे सारे जो सुपरपोजिशन हुए हैं ना जिन जिन वेव्स का, वो जिस वेलोसिटी से सारा एक साथ जिस वेलोसिटी से चलते उसको बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। और वेव है तो वेव में कला होती है, फेज होती है, तो फेज जिस स्पीड से चेंज होता है, जिस स्पीड से फेज आगे बढ़ता है, कला जिस स्पीड से आगे बढ़ता है, उस स्पीड को हम लोग कला वेग क्या, ये जो फेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो फेज जिस फेज या फेज का जो एंगल, जिस एक तरीके से बात करें तो फेज जिस वेलोसिटी से आगे मूव होता है उसको बोलते हैं।
इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी बोला जाता है, ये पूरे ग्रुप का वेलोसिटी है और ये एक सिंगल, उसमें एक सिंगल वेव का वेलोसिटी है ये, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से इनको बोला जाता है, ये इनके मीनिंग होते हैं मेन। तो आपको यहाँ पर सॉलिड स्टेट में तो इनके फॉर्मूले याद रखना है बस, कला वेग समूह वेग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, देयर इज अ टॉपिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो हम लोग वहाँ पर डिस्कस किए इसको, ठीक है। ये आ गया, इसमें क्या है, दोनों ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी बराबर है, और ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी बराबर आता है, इसका मतलब है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि जो सारे जो वेलोसिटी सारे जो एक तरंग है वो बहुत सारी तरंगों से मिलकर बना हुआ है, तो वो जो सारी तरंगें हैं ना उनके लिए ये जो मीडियम है आपका सॉलिड मटेरियल, ये एक तरीके से ही बिहेव करता है, मतलब उनको डिफ्रेंशिएट नहीं करता, उनके लिए समान रूप से व्यवहार करता है, इक्वली ट्रीट करता है उनको, और जब इक्वली ट्रीट करता है तो क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी बराबर आती है। तो जब कोई सॉलिड मटेरियल है, जैसे आपने प्रिज्म में एक्सपेरिमेंट करते होंगे, आप प्रिज्म में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम लोग यहाँ से जैसे लाइट आता है तो प्रिज्म क्या करता है, सारे लाइट, एक लाइट आता है मान लो व्हाइट लाइट आता है, श्वेत प्रकाश का मतलब है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, अलग अलग बहुत सारी और तरंगे हैं उसके अंदर, बहुत सारे वेव्स हैं, तो जब इसके अंदर आता है तो वो सबको अलग अलग ट्रीट करता है, तो किसी को ज़्यादा मोड़ता है, किसी को कम मोड़ता है, तो सबके लिए क्या होता है, अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है, और अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है तो इसको बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम, मतलब डिस्पर्सिव मीडियम। तो ये जब अलग अलग बिहेवियर होता है सबके साथ में तो उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव मीडियम, परिक्षेपण माध्यम, और ये अगर एक अलग अलग बिहेवियर नहीं करता तो उसको बोलते हैं समांगी माध्यम, समांगी को बोलते हैं होमोजीनियस कॉन्टिनम एक तरीके से। तो यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी बराबर है, इसका मतलब ये सबके साथ समान तरीके से बिहेवियर करता है, ये मटेरियल अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं करता, मतलब ये डिस्पर्सिव नहीं है, ये कैसा है, समांगी है, होमोजीनियस है। आई बात समझ, तो इसको आप लिख लो, यहाँ पे लिखो, ये तो हो गया था ना, ये हो गया फर्स्ट केस, यहाँ पे कॉन्क्लूजन लिखो, इसका कॉन्क्लूजन लिखो, इस स्थिति में समूह वेग व कला वेग समान होते हैं, इस स्थिति में समूह वेग एवं कला वेग समान होते हैं, इस स्थिति में समूह वेग एवं कला वेग समान होते हैं, अतः इस स्थिति में माध्यम समांगी सांतत्य माध्यम होता है, माध्यम समांगी सांतत्य मतलब होमोजीनस, मतलब एक ही टाइप किससे बिहेव करने वाला, समांगी सांतत्य माध्यम होता है, ठीक है। ये पहला केस हो गया, हाँ, और इंग्लिश में लिखो इसको, इन दिस कंडीशन या इन दिस केस ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, इन दिस केस ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी आर इक्वल सो मीडियम इज होमोजीनस कॉन्टिनम, मीडियम इज होमोजीनस कॉन्टिनम टाइप, ठीक है। ये मिला, पहला केस हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड केस में हम लोग क्या करते हैं कि के का वैल्यू अभी जीरो नहीं है, मतलब के का वैल्यू जीरो के नज़दीक नहीं है, उच्च है, हाई वैल्यू है कोई भी, तो सेकंड केस, केस टू, इसमें क्या है, के जो है उच्च आवृत्ति के लिए बात कर रहा हूँ मैं, हायर फ्रीक्वेंसी के लिए, उच्च आवृत्ति बोल लो, या इसको निम्न आवृत्ति उच्च होगी तो, या निम्न तरंग दैर्ध्य सीमा, ये दोनों एक तरीके से बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ रेंज, इसकी बात कर रहा हूँ। इसका मतलब के का वैल्यू इस बार क्या है, जीरो के नज़दीक नहीं, कुछ अच्छा वैल्यू है के का,
तो देखो ओमेगा का जो वैल्यू है, ओमेगा का वैल्यू है रूट फोर बीटा बाई एम साइन के ए बाई टू, ऐसा है। तो ओमेगा का वैल्यू ये है जो भी है। अब के का वैल्यू जीरो तो लिख नहीं सकते, तो जितना भी है ये आ जाएगा, है ना। ओमेगा का देखो ये जो है ना, ये फोर बीटा बाई एम, इसको ओमेगा मैक्सिमम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमेगा मैक्सिमम, अभी आगे मैं बता दूंगा। ये ओमेगा का वीपी कैलकुलेट करो, वीपी कला वेग फेज वेलोसिटी क्या फेज वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी जो है, फेज वेलोसिटी के बारे में अगर बात करूँ तो क्या होगा, ओमेगा बाई के होता है। तो ओमेगा बाई के होगा, तो ये होगा रूट फोर बीटा बाई एम साइन के ए बाई टू अपॉन के, ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आ गया। इसको थोड़ा अलग तरीके से ऐसे भी लिखा जाता है, ये वैसे वैल्यू आ गया, जो भी आना है ये आ गया। मतलब ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये वन अपॉन के, ऐसे यहाँ पे लिख दो, ये फेज वेलोसिटी आ गया। ग्रुप वेलोसिटी, समूह वेग ग्रुप वेलोसिटी ये वी जी की बात कर रहा हूँ, और वी जी जो आता है डी ओमेगा बाई डी के होता है। तो ओमेगा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो फोर बीटा बाई एम, ये तो रूट में आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा साइन का कॉस के ए बाई टू, और के का जो कोफिशियंट है ए बाई टू, ये इधर आ जाएगा, तो ए बाई टू ये आ गया। चलो ये जो भी है वी जी आ गया ए बाई टू, टू से देखो टू कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी नहीं करना चाहो तो मैं नहीं करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं। ये ग्रुप वेलोसिटी आ गया, समूह वेग है। ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी इस बार बराबर नहीं आए, इक्वल नहीं है ना। तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी इक्वल नहीं है, समान नहीं है। इसका मतलब समान नहीं है तो माध्यम भी समांगी नहीं होगा। माध्यम भी कैसा नहीं होगा, ये होमोजीनियस नहीं होगा, ये डिस्पर्सिव मीडियम होगा, मतलब परिक्षेपण माध्यम होगा। मतलब ये अलग अलग तरंगों के साथ में अलग अलग बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखो, कॉन्क्लूजन लिखो, यहाँ पर एक कॉन्क्लूजन लिख सकते हो, यहाँ पर एक कॉन्क्लूजन लिख सकते हो। अतः कला वेग एवं समूह वेग इस स्थिति में समान नहीं होते हैं, कला वेग एवं समूह वेग इस स्थिति में समान नहीं होते हैं। अतः माध्यम परिक्षेपण माध्यम होगा या परिक्षेपण माध्यम की तरह कार्य करेगा, व्यवहार करेगा, एक बात है। अतः माध्यम परिक्षेपण माध्यम होगा। In this situation, phase velocity and group velocity are not equal. In this condition, group velocity and phase velocity are not equal. Therefore, this medium is dispersive medium. Or this medium behaves like dispersive medium. ठीक है, क्लियर है ना, इतनी बात समझ आई। चलो ये सेकंड केस हो गया। कई बार तो एग्जाम में ये कंडीशन ही दे देता है कि पहले तो पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करो, फिर कंडीशंस भी बोल देता है कि ये कंडीशंस को भी एक्सप्लेन करो। मतलब वो कंडीशन ऑटोमेटिकली नहीं भी बोला है तो कंडीशन तो एक्सप्लेन करना ही है, ठीक है, हुआ। चलो ये हो गया, एक केस और इसके अंदर, वो केस मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही हो पाएगा वो केस जो है। बाकी यहाँ पे हम लोग ओमेगा और के में कर्व बना सकते हैं, देखो कहीं पे जगह बनी है तो बना लेना, नहीं तो अब आगे बना लेना।
मैं यहाँ पे बना देता हूँ ओमेगा और के में, ओमेगा और के में, के ज़ीरो है यहाँ पे, ठीक है ज़ीरो है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ पाई बाई ए, टू पाई बाई ए, इधर माइनस पाई बाई ए, इधर माइनस टू पाई बाई ए, इतना बना देता हूँ और भी चलता रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इक्वल डिस्टेंस पे नहीं बनाया है ना, मैं काम करता हूँ, ये है ओमेगा, ठीक है। अब देखना साइन का कर्व है ये, है ना, साइन का कर्व है, साइन का कर्व जीरो से, के इक्वल टू जीरो होगा तो साइन जीरो होगा, साइन जीरो होगा तो यहां से स्टार्ट होगा, ये यहां से बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है ठीक है। अब देखना ऐसा है, ओमेगा जो है, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, के का वैल्यू अगर मैं पाई बाई ए रखूंगा, जब के का वैल्यू पाई बाई ए रखूंगा, पाई बाई ए, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई ए इंटू ए बाई टू है, तो ऐसे पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू आ जाएगा, ये साइन पाई बाई टू का, तो ये तो हो जाएगा वन और वैल्यू पहुंच जाएंगी ये रूट फोर बीटा बाई एम, तो ये ऐसा चलेगा, एक सेकेंड, ये जाएगा ऐसा, ये ऐसा, मतलब ये इस तरीके से जाएगा, ये इधर भी ऐसा जाएगा। पहली चीज तो यहां पर ये देखो, के का वैल्यू नेगेटिव होने पे नेगेटिव क्यों नहीं लिखा है, नेगेटिव नीचे बनता ना साइन का, लेकिन नेगेटिव नहीं लिखा मैंने, ऊपर बनाया, वो इसलिए क्योंकि ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति है, और कोणीय आवृत्ति मतलब तरंग किस वेग से चल रही है, तो किस वेग से चल रही है, यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव में बात करते हैं हम लोग कि किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रही है, तो ओमेगा जो है हमेशा धनात्मक होगा, पॉजिटिव होता है, तो हम लोग पॉजिटिव सेंस में बात करते हैं यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसका ऐसे बनाया, मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो इसके मोड का कर्व बनाया हमने, किसका, साइन का मोड लेके फिर उसका कर्व बनाया, तो ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये जो एरिया है ना, ये इसके बारे में अभी मैं आगे बात करूंगा, लेकिन ये करो आप बना सकते हो, ये कर जो बनाया ना, ये एक रीजन हो गया, ये दूसरा रीजन हो जाएगा, इनके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, पर ये करो बना सकते हो, ठीक है। साइन के मोड का कर्व आप ये समझ के चलो, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू हम लोग फ्रीक्वेंसी को हमेशा पॉजिटिव में कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव में कंसिडर करेंगे, तो ये साइन में आप के का वैल्यू नेगेटिव रखोगे तब भी ये नेगेटिव नहीं होगा, वैसे तो नेगेटिव होगा, लेकिन मैं मोड में आपका बना रहा हूँ एक तरीके से, आप ये समझ लो, क्यों, क्योंकि हमारे को इसका ओमेगा का पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहे हैं, हमेशा ये पॉजिटिव होगा उस चीज की बात कर रहे, तो आप ये समझ लो ओमेगा के मोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओमेगा के मोड और के में ये रिलेशन होता है, ये कर्व बनता है, तो या तो इस फॉर्मूले के साथ में बना लेना, या अभी जहाँ जगह है ना वहाँ नीचे बना लेना, अभी मैं और केसेस की बात करूँगा, एक केस की और बात करूँगा, ठीक है। तो चलो मैं नेक्स्ट केस की बात करूँगा, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही हो पाएगा, क्लियर, ओके।